नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अभी हम लोग छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले में जो पाली जगह है दोस्तों वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर भगवान शंकर जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, उसके बारे में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ दोस्तों उस मंदिर की खासियत और आसपास में क्या क्या लोकेशन है जहाँ पर आप लोग देख सकते हो उसके बारे में बताऊँगा मैं आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे दोस्त विजय बंजारा जी हमारे साथ में, संतोष जी भी हैं, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पाली का जो ऐतिहासिक भगवान शिव जी का मंदिर है वो हमारे भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा ज़िले में स्थित है। दोस्तों बात करें इसकी दूरी का तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 172 किलोमीटर की दूरी पर है और कोरबा मुख्यालय जो है उससे इसकी दूरी 50 किलोमीटर दूर है। दोस्तों कोरबा मुख्यालय से पाली ये कटघोरा तहसील में आता है दोस्तों, ठीक है, और कटघोरा से इसकी दूरी जो है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम लोग। दोस्तों ये मंदिर केंद्रीय संरक्षित स्मारक में से एक है और इस मंदिर के सामने एक हनुमान जी का मंदिर भी है। दोस्तों अगर आप लोग इस मंदिर का अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक बहुत ही छोटा सा पार्क मिलेगा। दोस्तों इस पार्क में चाहे तो आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पर आपको पेयजल की सुविधा है, अगर आप लोग गर्मी में जाते हैं तो आपको ठंडा पानी भी मिल जाएगा। यहाँ पर ऑफिस है, ऑफिस से में अगर आप लोग चाहें मंदिर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक बोर्ड पर इस मंदिर का निर्माण जो विक्रमादित्य जी ने करवाया था उसके बारे में वर्णन है, ठीक है, और साथ ही साथ इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इस बोर्ड में बता दिया गया है। आप लोग जानते हैं जैसे कि कोई भी अगर हम लोग शिव मंदिर में जाएं तो मंदिर के सामने रहते हैं नंदी जी, तो नंदी जी का इसमें बना हुआ है दोस्तों एक छोटा सा मूर्ति। और अगर आप लोग दरवाजे पर देखें दोस्तों तो बहुत ही अच्छे से नक्काशी किया गया है और देवी देवताओं के मूर्ति बनाया गया है दोस्तों मंदिर के प्रवेश द्वार में ही। अंदर में भगवान शंकर जी का मंदिर है तो भगवान शंकर जी की मूर्ति स्थापित है। दोस्तों वहाँ पर जो कार्यालय में कर्मचारी थे उनके द्वारा हमें जो सूचना मिली है दोस्तों उससे पता चला है कि जो मेन मूर्ति है दोस्तों वो चोरी हो चुका है। अभी यहाँ पर भगवान जी हुई है लेकिन जो मेन मूर्ति थी दोस्तों वो चोरी हो चुका है कायदे से दोस्तों। तो अंदर में बहुत ही अच्छे से नक्काशी किया गया है दोस्तों। ये मंदिर का अंदर का गर्भगृह है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि पत्थरों पर बहुत ही अच्छे से नक्काशी किया गया है। इस मंदिर का जो निर्माण है दोस्तों वो लाल बलुआ पत्थरों से किया गया है और पूर्वाभिमुख वाले इस मंदिर में गर्भगृह व अष्टकोणी मंडप बना हुआ है इस मंदिर में दोस्तों। और अंदर में आप लोगों को दीपक अगरबत्ती ये सब जलाना प्रतिबंधित है, आप लोग को जो भी करना है वो बाहर में कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों दीवालों पर बहुत ही अच्छे से निकासी किया गया है। जो डॉक्टर देवदत्त भंडारकर ने मंदिर के गर्भगृह के द्वार की गणेश पट्टी पर बहुत ही बारीक अक्षरों में लिखे एक लेख को पढ़ने में सफलता पाई थी दोस्तों। इस लेख में लिखा हुआ था कि इस मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर मल्लदेव के पुत्र विक्रमादित्य ने करवाया है और कब कराया है दोस्तों 870 ईस्वी से लेकर के 900 ईस्वी के बीच में करवाया है, ठीक है। आप लोग पत्थरों में देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से बारीकी से इसमें नक्काशी किया गया है दोस्तों दीवाल पर, ठीक है, पूरे दीवाल पर उतर गया। जैसा कि आप सभी को ये दिख रहा होगा ये जो मंदिर था दोस्तों अब ये 870 में बन 870 से लेकर के 900 में कंप्लीट हुआ बन करके, तो 1100 आते आते तक इस मंदिर में बहुत सारी चीज़ें टूट भी गई थी। तो जो कलचूरी शासक के जाजल्यदेव प्रथम ने 11वीं शताब्दी में क्या किया था इस मंदिर का फिर जीर्णोद्धार किया था, यह आप हमारे पीएससी एग्जाम में पूछता है। इस मंदिर के पास ही दोस्तों बहुत ही अच्छा सा तालाब है, आप लोग चाहें तो इस तालाब में स्नान कर सकते हैं और मंदिर में आकर के पूजा पाठ कर सकते हैं या तालाब किनारे भी अगर आप लोग बैठना चाहें बैठ सकते हैं दोस्तों। बहुत ही शांत तालाब है जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा दोस्तों, बहुत ही शांत तालाब है, ये मंदिर के एकदम बगल में ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों डेंजर जोन है, यहाँ पर सेल्फी लेना मना है, लेकिन ऐसा भी कोई वो नहीं है, आप लोग सेल्फी ले सकते हो, उतना भी कुछ खास डेंजर जोन नहीं है ये, ठीक है।
वीडियो को लास्ट देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको जब भी समय मिलता है पाली आइए और पाली के इस बहुत ही पुराने शिव मंदिर को आप लोग देखिए, और जो आप लोग को मैंने तालाब दिखाया दोस्तों वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। पाली जो है दोस्तों प्रकृति से पूर्ण रूप से भरा पूरा है, आप लोग जैसे इधर देख सकते हैं दोस्तों मंदिर के आसपास में बहुत ही हरे भरे पेड़ पौधे भी हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, और हाँ यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।